तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय भोले जय शंकर। तो अभी कल हमने स्टे किया था दारचा गांव में, और ये गांव मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी सुंदर है। और भाई रात को ना इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, जैसे कैंप लगा रखा था ना हमने, और उसके बाद जो स्लीपिंग बैग होता उसको ओढ़ कर सोना पड़ गया, क्योंकि हमें लगा था यार वैसे यह गर्मी है अभी, लेकिन रात को ठंड बहुत हो गई थी। और सुबह सुबह इतना खतरनाक मौसम हो रखा है बारिश वाला कि अगर बारिश हो गई ना, जो हम राइड करने वाले हैं यहाँ दारचा से और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे भाई, 19-20 पता नहीं कितने किलोमीटर, तो उस ट्रैक में ना दिक्कत आ जाएगी अगर बारिश होनी शुरू हो गई तो। और पहाड़ों पे बारिश होनी शुरू हो जाए ना तो पूरा डेंजर जोन हो जाता है, और नदियाँ झरने वगैरह तेज़ हो जाते हैं, नदियों में पानी बहुत तेज़। तो भी है ना जो कैंप वगैरह लगा रहा उसको समेटते हैं भाई, और जो सारा सामान खोल रखा साइकिल से उसको लोड करते हैं। बहुत टाइम लगने वाला, अभी तो तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने कैंपिंग कहाँ करके दी। देखिए ये स्कूल का छप्पर है, छत है, और ये रही भाई अपनी कैंपिंग, यहाँ लगा रखा था। और स्कूल में दो कमरे है, एक ये रसोई है। ओ भाई मतलब इतनी मस्त नींद आई रात को, जैसे ही स्लीपिंग बैग हमने ओढ़ कर सो गए, उससे पहले तो ठंड लग रही थी। हवा देख लो कैसी चल रही है यार सुबह सुबह ही। वो देखो ये बादल कुछ तो करके माने हुआ, वहाँ पे तो पूरी धुंध आ गई है। क्या बात, अभी दिखना ही बंद हो जाएंगे ये सामने वाले पहाड़ तो। और ये बाप रे, और सूरज निकलने की सोच रहे हैं पर बादल निकलने ना दे रहे, यहाँ से तो पूरे बादल ही आ रखे पहाड़ के ऊपर। तो भाई अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे ढाबे वगैरह ना जल्दी खुल जाते हैं, 6-7 बजे तक खुल जाते हैं, और हमें लेट है, अभी 10 बज चुके हैं। अभी खाएंगे 10:30-11 बज जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके अपनी जो राइड है वो शुरू होगी। तो भाई अभी हो चुका मस्त खाना, पराठा और चाय, और सुबह क्योंकि यार रोटी वगैरह नहीं मिल पाती तो पराठा ही खाना पड़ता है, और कुछ सामान लिया रास्ते के लिए कि अगर बाय चांस कोई दुकान या ढाबा ना मिल पाया तो अपना ये जो सामान लिया उसको खा लेंगे। ओम नमः शिवाय, अरे भोले बाबा। और ये है कि यहाँ से भाई बिना जिगजैग जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जिगजैग मिल गया चढ़ाई वाला, तो मतलब आज बैंड बजने वाली है दारचा बारा लाचला, दारचा नहीं बारा लाचला, ऐसा ही नाम है भाई इनका। तो भाई अभी हमने 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है, और जब ऐसी जिगजैग वाली चढ़ाई आती है ना तो 2 किलोमीटर भी इतने भारी पड़ जाते हैं भाई। अभी ये पूरा जिगजैग है, मतलब हम पहाड़ के एक कोने से चले तो उसे कोने तक है, अब वापस उस एक कोने पे जाना है। तो भाई ये है दारचा गांव, और हमने स्टे कर रखा था, देखो अरे वहाँ पे कैंपिंग वगैरह रखे ना उसके सामने ही था। और पहाड़ ने क्या किया, हमने वहाँ से चढ़ाई शुरू की, ऐसे पूरा लंबा घुमा घुमा के फिर इधर लेके आए। और एक भाई अभी रुके हैं बातें करने के लिए, देखो ये वो खड़ी इनकी बाइक, और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा, अभी राइडर गए बाइक वाले बहुत ज़्यादा। भाई अब कहीं जाके उतार रहा है नहीं तो ना कोई हालत इतनी ख़राब हो गई थी रास्ते में, क्योंकि ना तो पेड़ है ज़्यादातर यार, जो छाव कर रखी जिन्हें धूप में ही बैठ गए थे भाई, अब जाके कहीं पे उतार आया और मज़ा आने लग गया है। सांस देख रहे हो कैसे चढ़े हुए हैं बस ऐसे ही चलता रहे, रुके ही ना यार, तकरीबन 5-6 किलोमीटर कोई चढ़ाई है यार, जिगजैग जिसको बोलते दारचा से, जब आप दारचा से चलते ऊपर की साइड में 5 किलोमीटर तो लगा ही लो भाई, 5 किलोमीटर से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो है। ऐसे रोड पे आके सुकून मिलता भाई, अब तो बस ऐसा आके 8-10 किलोमीटर ऐसे ही चले और सांस उतर जाए, रुके ही ना साइकिल पास। यहाँ पे तो पहाड़ भी ऐसे आ रखे पेड़ ही ना इन पे तो, और ये देखो मोड़ कितना खतरनाक मोड़ है।
अरे रे 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 रे। यार आज मेरे लिए ना बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है, मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी के प्यार के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे मतलब YouTube फैमिली से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, भाई बहन ताऊ चाचा मामा पापा सब सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्योंकि ना मतलब अभी मैंने देखा है कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके और मुझे ना इतनी खुशी हो रही थी कि यार मतलब इसको कैसे बताऊं, क्या करूं, कैसे बात करूंगा यार मैं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए ना इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई ऐसी जगह पे है, ऐसी सिचुएशन में है तो अलग से वीडियो नहीं बना सकता। हाँ रील वगैरह शॉर्ट वीडियो जरूर डाल दूंगा मैं ये बोलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग और इसका प्रेशर देख रहे हो ना कितनी आवाज़ आ रही है, कितना प्रेशर से और वहाँ से यहाँ तक मैं इसको पैदल ही लेके आया भाई। मैं चढ़ के इसलिए लेके आया कि अगर बैलेंस नहीं बना तो सामान गिरेगा और चोट वगैरह लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी ना मैं हालत दिखाता हूँ क्या हुई है ये क्रॉस करने के बाद में। भाई ये देखो यार कितना प्रेशर से पानी आ रहा ऊपर से, यहाँ पे इसकी आवाज़ सुन के देख लो आप समझ सकते हो भाई कितना प्रेशर से हुआ है। देखो ये कितना पूरा प्रेशर है, ये वहाँ जा रहा, देखो कैसे झाग उठ रहे हैं इसमें भाई। मतलब डर लग रहा था कि यार क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ऊपर वाला मेहरबान है ना। भाई अभी हम पहुंच चुके दीपक ताल और जो ताल है ना इसके पानी का कलर देखो भाई कैसा है, नीला। अरे हटो यार जूम नहीं कर रही, देख लो कितनी जूम आएगी बोल। भाई ये नेचुरल नीला ब्लू है और वहाँ पे ना कुछ बंदे वगैरह है जा रखे जहाँ से पानी आ रहा है इस ताल में। तो भाई अभी हम रुके हुए थे दीपक ताल और हम दो पहले आ चुके थे और अभी पूरी एक टीम आई है भाई साइकिलिस्ट जो है कोल्हापुर से और ले के लिए जाएगी मनाली, ले खाटूंगला और श्रीनगर। भाई ये देखो इनकी मतलब पूरी टीम है और गाड़ी के साथ में आए हैं, आगे पीछे रुके एक दो बंदे पहले आ गए हैं बाकी अभी आ रहे। देखो ये भाई आए हैं और पीछे मेरे दो तीन बंदे भी आ चुके हैं भाई, उम्र इनमें मतलब 30-35 और 70 तक भी है भाई। मतलब यार हमारी उम्र देखो और भाइयों की उम्र देखो यार कमाल है कि इस उम्र में ये साइकिलिंग कर रहे हैं भाई। मज़ा आता है यार जब हम देखते हैं कि हमारी उम्र और इनकी उम्र तो हम थोड़ा ना वो ये होता है बढ़ावा मिलता हमें कि यार हाँ हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक है बस फर्क कि इनकी गियर वाली है हमारी विदाउट गियर। भाई ये खड़ी इन भाइयों की गाड़ी और देखो इनकी टीम अभी इकट्ठी हो रही है, 3-3-6 मतलब टोटल 12 लोग हैं, 6 और 2 वहाँ पे आ रहे हैं 8 और गाड़ी में भी हो सकता है या पीछे ही होंगे भाई। लेकिन ये सब के मज़ेदार यार इनकी उम्र कसम से, देखो यार चलते थोड़ा पास में ये देखो। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं पटसियों में और यहाँ पे ना दो ढाबे हैं और देखो यार हमें कौन मिल गए जिनकी मतलब वीडियो मैंने बहुत देखी है, एक तो मनी बैग बैक कर एक हेवन यात्री दोनों ही एक साथ मिल गए। ये मनी भाई ये हेवन यात्री भाई, मैं ये देख रहा हूँ वीडियो आपकी भाई बहुत, मैं डेली वीडियो देखता हूँ मतलब जब भी आती है नेटवर्क में आने के बाद आपकी। भाई ये साइकिल है और वो भाई की हेवन यात्री,
मतलब जो बोर्ड वगैरह देख, आपका बोर्ड कहाँ गया? उतार दिया भाई, क्या बात है यार। कितने दिन लगे भाई वहाँ, मतलब पंजाब से ले पहुँचने आपको? भाई 31 मई को निकला था, तो आज 5 हो गई अभी, 37 दिन। और आपको भैया कितने दिन लग गए? हमें 20 दिन है, लगता है हम पहले पहुँच जाएंगे भाई। भाई अब तक का सबसे खराब रोड आया है, और ये नहीं है कि ये छोटा, ये बहुत बड़ा भाई, पीछे से आ रहा काफी। तो ये देखो कैसे जा रहे ट्रक वगैरह, जो गियर वाले भी है, जिनकी साइकिल गियर वाले, वो भी पैदल ही जा रहे हैं, हम तो जा ही जा रहे हैं। ये भी तो ये रहा भाई बरोगा, बियारो, वारालाचला, सरचू, पांग, तांगलांगला, उपसीले, भाई देख लेना कौन सा कितना किलोमीटर है। भाई आज हमने ना इतने बड़े पंगे में पैर दे लिया है, वो जो सामने वो उधर रोड है ना जिग जैक, उससे आना था, लेकिन हमें दिख गया शॉर्टकट। भाई ये शॉर्टकट ऐसा दिखा है कि वैसा जिग जैक हम दो बार पार कर देते, अब तक तो हम पहुँच गए थे अपनी मंजिल पर, हमें जाना था। और ये रास्ता देख लो, अभी तो यहाँ पे ये है, वहाँ देखो जो धुआं उठ रहा है, उधर से चढ़ते आ रहे हैं, और चढ़ भी कैसे रहे हैं, एक साइकिल को अभी वहाँ खड़े कर, देखो खड़ी वहाँ खड़ी करी अभी, जैसे एक एक करके कि भाई पहले एक को धक्का लगा, एक इतना पीछे धक्का लगा रहा है, उसको आगे से हैंडल को संभाल रहा है। भाई ऐसी गलती मतलब ज़िंदगी मेरे हिसाब से पहली बार है और आखिरी है। भाई अगर कोई ट्रैकिंग कर रहा ना पैदल, तो आ सकता है, शॉर्टकट है ये बहुत बढ़िया, लेकिन कोई व्हीकल से भाई भूल के मत आ जाओ इस रास्ते पर। अभी जैसे हमारी हालत हो रखी है ना, बताएंगे शाम को, शाम को बात करूँगा एंड करने से पहले, सारा हाल सुनाएंगे आप। भाई फाइनली पहुँच चुके हैं इस कच्चे रास्ते से, पत्थर वाले रास्ते से सड़क पर, और जितनी बड़ी गलती हमने कर दी ना भाई, अब तो प्यारा वहाँ पहुँच जाते। ये देखो दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ये पूरा रोड घूम के नीचे जा रहा है, वहाँ पे वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से उधर से, हमें पता है कि हमने साइकिल कैसे कैसे चढ़ा है। पहले एक खड़ी लेके आते थे साइकिल, धक्का लगा के वो पीछे से धक्का लगा था, मैं संभालता था, थोड़ी आगे फिर दूसरी लेके जाते थे, फिर वो पहले वाली आगे लेके जाते, फिर दूसरी आगे लाते थे। और भाई ये पहुंच चुके हैं, देखो ये खड़ी। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जिंग जिंग बार, और जो स्टार्टिंग की थी जिंग जिंग बार की, भाई ऐसा जिग जैक आया था, और एक पंगा जो लिया था शॉर्टकट वाला, वो भी मतलब आज तो यादगार पूरा दिन हो गया। और अभी यहाँ पे भाई एक ढाबे है, यहाँ से ढाबे दिख जाते हैं आपको थोड़ा आगे आगे हो गए, तो अभी यहाँ पे खाने वाने का प्रबंध कर रहे हैं, फिर रहने का करेंगे। और आज इतना थक गए भाई उस शॉर्टकट की वजह से, वैसे तो ठीक था आगे तक रास्ता। ओ भाई अब आराम करेंगे, 8:30 हो चुके हैं, अभी कुछ खा पी के आराम करेंगे, एडिटिंग और लाइटिंग का भाई देखते हैं, अगर चार्जिंग वार्जिंग हो गई तो एडिटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है भाई, जैसे ही नेटवर्क आएगा वीडियो आएगी आपके पास में, तो आराम करते भाई। तो भाई ये था आज का ट्रैक, बहुत याद रहेगा भाई ये तो। और तो वीडियो आप पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू सो मच, राम राम।